वही अनुच्छेद 370, तीन तलाक और अयोध्या विवाद हल होने के बाद अब हरियाणा में वर्षों से चले आ रहे SYL मामले को हल करने की मांग उठ रही है। डिप्टी सीएम ने उम्मीद जताते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से लंबे समय से चले आ रहे कई मामले निपटाए हैं, उसी तरह SYL का मामला भी निपटाया जाएगा। बीजेपी की सरकार ने उन वादों को पूरा किया है जो बीजेपी के घोषणा पत्र में थे। वर्षों से चले आ रहे इन विवादों पर राजनीति हुई, लेकिन कभी समाधान नहीं हुआ। 2014 में सरकार बदली तो 2019 आते आते वो सब मामले निपटते गए जो बीजेपी के घोषणा पत्र में थे, चाहे वो तीन तलाक हो, धारा 370 हो, या फिर हाल ही में अयोध्या पर सबसे बड़ी अदालत का फैसला जिसने राम मंदिर बनने का रास्ता साफ कर दिया है। अब हरियाणा में वर्षों से चले आ रहे SYL मामले को हल करने की मांग उठी है। सतलुज यमुना लिंक यानी SYL पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि मामला अदालत में है, माननीय सुप्रीम कोर्ट को पानी की बंटवारे को लेकर अपना फैसला सुनाना है। तो वहीं डिप्टी सीएम ने उम्मीद जताते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार से लंबे समय से चले आ रहे कई मामले निपटाए हैं, उसी तरह से SYL का मामला भी निपटाया जाएगा। देखिए, सतलुज यमुना लिंक का मामला सब जूडियस है और इन कमिंग वीक्स उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाना है। वाटर शेयरिंग जिसके ऊपर एप्लीकेशन लगी हुई थी, बिल्कुल प्रयास करेंगे, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग तीन चार लंबे समय से लंबित मामलों को सुप्रीम कोर्ट ने निपटाया है। ये भी एक ऐसा विषय है, इसके ऊपर भी मिलकर सुप्रीम कोर्ट एक्सपेडिशन के साथ निर्णय लेकर आए, ये प्राथमिकता हरियाणा सरकार की। वहीं पराली जलाने पर कहा कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेगी, सरकार किसानों की पराली खरीदेगी। शराब के ठेके पर कहा कि गांव की पंचायत अगर प्रस्ताव पास करती है तो गांव में शराब के ठेके नहीं खोले जाएंगे। पराली को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश है और उसके ऊपर हरियाणा सरकार ने भी चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में ये कहा है कि हम पराली जितनी भी है उसको ना स्टबल को जलाया जाए, हम एक एक किलो उसका खरीदेंगे और उसके लिए न्यूनतम मूल्य 100 रुपये क्विंटल का तो सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है। उसके ऊपर ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट भी अगर हमें देना पड़ेगा, हमारा प्रयास रहेगा कि किसान की जेब से 1 रुपया। शराब की गांव के अंदर बंदी हो, मैं तो आज आप सारे पत्रकार साथी हो, आपसे भी आग्रह करता हूँ कि अपने माध्यम से भी आप ये प्रयास करो कि ग्राम पंचायतें पूरी की पूरी रेजोल्यूशन पारित करें कि हमारे गाँव में शराब के ठेके ना खुलें। तो हमारी सरकार की प्राथमिकता रहेगी कि अगला जो एक्साइज टैक्सेशन का वित्त वर्ष होगा उसके अंदर जिन जिन ग्राम पंचायतों की तरफ से प्रस्ताव आएगा उनके अंदर हम ठेकों को पूरी तौर पर समाप्त। बहरहाल डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार से लंबे समय से चले आ रहे कई मामले निपटाए हैं, उसी तरह से SYL का मामला भी निपटाया जाएगा। अब देखना होगा कब तक ये मामला हल होता है। टोटल न्यूज के लिए सिरसा से सतनाम सिंह की रिपोर्ट।